students, welcome to your maths classes. Here I am going to explain triangles. First of all, you have to know about triangle. What is triangle? Look at this. This is a figure of triangle. First of all, triangle is a 2D figure. Okay, 2D figure. That means two dimensional figure, or we can say that plane figure. Okay, triangle is a 2D figure. So triangle has three sides also. You can see that triangle ke paas teen side hote hain, 1, 2, 3. Okay, sides 3, and triangle also having three vertex. ओके और थ्री कॉर्नर, आप इसको वर्टेक्स भी बोल सकते हो, कॉर्नर भी बोल सकते हो, क्योंकि ये थ्री वर्टेक्स है तो हम वर्टिसेस बोलते हैं. इट इज़ अ प्लूरल ऑफ वर्टेक्स, वर्टिसेस. ओके, तो थ्री वर्टेक्स, थ्री साइड्स, थ्री एंड ऑल्सो एंगल, एंगल ऑल्सो थ्री. तो दिस इज अबाउट all about triangle. Triangle is a 2D figures. It's having three sides, three vertex and three angle. Now I'm going to explain types of triangles. कितने types के triangles होते हैं, क्योंकि बस आप ये figure देख के आप नहीं बोल सकते हो triangle है. What about this? What about this? तो these are also triangle. So I'm going to explain types of triangle. So types of triangles. ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ट्रैंगल्स जो टाइप्स होते हैं हम उनको साइड के बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं और एंगल्स के बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं. तो फर्स्ट हेयर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ साइड. ऑन द बेसिस ऑफ साइड देयर आर थ्री ट्रैंगल्स, इक्विलैटरल ट्रैंगल, आइसोसेलस ट्रैंगल एंड स्केलन ट्रैंगल. ओके, नाउ वॉट इज इक्विलैटरल ट्रैंगल? लुक एट दिस. This is the equilateral triangle. A triangle having all sides are equal. All three sides are equal. ऐसे triangle जिनके तीनों triangle, तीनों sides जो होते हैं वो equal हो, known as equilateral triangle. And of course angles also. Okay? We know that, yes, one property is that कि triangle के जो तीन angles होते हैं, ठीक है, वो तीनों एंगल का समेशन, ऑल थ्री एंगल्स, समेशन ऑफ ऑल थ्री एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू द 180 डिग्री. ठीक है, 180 डिग्री ही होता है. और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में है तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और जो तीनों एंगल होता है 60-60 डिग्री का होता है. नाउ आइसोसेलस ट्रायंगल, व्हाट इज आइसोसेलस ट्रायंगल? अ ट्रायंगल विच आर हैविंग टू इक्वल साइड. ओके, ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं वो होते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल. एंड स्केलन ट्रायंगल इज दैट नो साइड्स आर इक्वल. ऐसा ट्रायंगल जिसके कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होते आपस में वो होते हैं स्केलन ट्रायंगल. आइसोसेलस ट्रायंगल, टू साइड्स आर इक्वल. एंड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल. दिस इज नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स ऑल्सो ट्रायंगल्स आर थ्री टाइप्स, अक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल एंड अपट्यूज ट्रायंगल. ओके, व्हाट इज अक्यूट ट्रायंगल? फॉर अक्यूट ट्रायंगल देयर इज हाउ मेनी एंगल्स इन द ट्रायंगल? थ्री. ओके, तो ऑल थ्री एंगल मस्ट बी अक्यूट एंगल. नाउ व्हाट इज अक्यूट एंगल? ओके, अक्यूट एंगल इज दैट एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री. जो 90 डिग्री से कम होते हैं एंगल वो हम उनको हम बोलते हैं अक्यूट एंगल. तो यहाँ के जितने भी एंगल्स होते हैं, ये तीन एंगल्स होते हैं, वो 90 डिग्री से कम होने चाहिए. ठीक है, और यस, जो तीनों एंगल का समेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री. एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री. सपोज दैट ए बी सी. ओके, तीन एंगल होते हैं ए बी सी और तीनों का जो समेशन होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए. और अक्यूट ट्रायंगल में जो तीनों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं. सपोज दैट मैं यहाँ पे 60 डिग्री एंड 60 डिग्री. ओके, ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री एंड यस, समेशन ऑफ ऑल थ्री एंगल्स विल बी 180 डिग्री. तो दिस इज द अक्यूट ट्रायंगल. नाउ नेक्स्ट इज राइट
triangle. Right triangle. I hope you know well what is right angle. Right angle is 90 degree. एंगल जो 90 डिग्री होता है उसको ही हम बोलते हैं राइट एंगल, क्योंकि स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. एंगल के बेसिस पे ये ट्रायंगल डिवाइस हो रहा है, तो इसीलिए आपको इसमें एंगल देखने को ज़्यादा मिलेगा क्योंकि ये एंगल के बेसिस पे चल रहे हैं. तो राइट ट्रायंगल जो है इसके लिए यू हैव टू नो अबाउट एंगल. एंगल का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सो दैट आप ये कर पाओगे. तो राइट ट्रायंगल इज राइट, व्हाट इज राइट एंगल? फर्स्ट ऑफ ऑल 90 डिग्री एंगल इज नोन एज राइट एंगल. नाउ राइट ट्रायंगल में भी ये होता है, वन एंगल जो होता है ट्रायंगल का, ठीक है, वो 90 डिग्री होना चाहिए. और राइट ट्रायंगल को पहचानना बहुत इजी होता है क्योंकि लुक एट दिस, ये टू स्ट्रेट होता ही है तभी ये 90 डिग्री बनेगा. चाहिए ऐसे हो, दिस इज ऑल्सो राइट ट्रायंगल, चाहिए ऐसे हो, दिस इज ऑल्सो राइट ट्रायंगल, ठीक है. तो दिस इज नोन एज राइट ट्रायंगल. ट्रायंगल तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बोला एंगल के बेसिस पे है, तो पहले आपको जानना होगा ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है. तो ऑब्ट्यूज एंगल इज दोज एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ये होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है. 180 डिग्री से कम हो लेकिन 90 डिग्री से ज़्यादा हो वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है. सॉरी, नाउ ट्रायंगल में ये होता है कि एक जो एंगल होता है ट्रायंगल का, क्योंकि ट्रायंगल के पास कितने एंगल होते हैं? थ्री एंगल्स होते हैं. तो वन एंगल, ओके, वन एंगल शुड बी ऑब्ट्यूज एंगल, लाइक 120, यू कैन से दैट 130, 150, ओके, दिस इज द ऑब्ट्यूज ट्रायंगल. सो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑन द बेसिस ऑफ साइड and on the basis of angle there are total 6 triangle, okay, 3 on the basis of side and 3 on the basis of angles.